हाथ में कुछ नहीं है, यहीं बैठे रहो, पानी नहीं पी पाओगे। तो जैसे ज्ञानेश्वर की ये बात एकनाथ ने सुनी तो एकनाथ की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, रोने लग गए। तो ज्ञानेश्वर बोले, आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि पानी नीचा है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि यदि मेरे भगवान को ये पता चल गई कि उनका कष्ट में है, उनका भक्त पानी बहुत नीचा है, तो वो रुक नहीं पाएंगे, वो मुझसे दूर नहीं रह पाएंगे, वो दौड़े चले आएंगे, तो कहीं उन्हें ना ये बात पता चल जाए, उन्हें कोई कष्ट ना हो, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। एकनाथ का इतना सोचना हुआ कि कुइया का पानी ऊपर आ गया, बाहर फैलने लगा। भगवान भक्त की हर पल रक्षा करता है। एक बार आप भक्त बन जाएं, करूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। जैसे मां अपने बच्चे को रखती है, बच्चे को कहना नहीं पड़ता कि दूध चाहिए, बच्चे को कहना नहीं पड़ता कि बिस्तर गीला हो गया है। करूं सदा तिनकी रखवारी, कहने से पहले कर देता हूं, कह दिया तो फिर मैं ईश्वर किस काम का। और जब आप भक्त बन जाते हो तो ईश्वर की शक्तियां आपको अपनी लगने लगती हैं। जैसे किसी लड़की का, एक कन्या का कहीं विवाह तय हो गया हो, तो जिस क्षण विवाह तय होगा उसी क्षण से उस कन्या को अपने पति की सारी संपत्ति अपनी संपत्ति लगने लगेगी कि उसकी नौकरी के इतने पैसे मिलते हैं, अब वो मेरी, उसकी दो गाड़ियां हैं, अब वो गाड़ियां मेरी, वो इतना सुंदर है वो मेरा, उसका घर इतना सुंदर है वो मेरा, उसका वैभव इतना बड़ा है वो मेरा। केवल शादी संबंध का ज्ञान होने मात्र से उसकी सारी संपत्ति उसे अपनी लगने लगती है, उसकी सारी उपलब्धियां अपनी लगने लगती हैं, उसका सम्मान उसे अपना लगने लगता है। ऐसे ही जब भक्त को ईश्वर से संबंध का ज्ञान होता है तो ईश्वर की शक्तियां अपनी शक्तियां लगने लगती हैं। अपनी शक्तियां लगने लगती हैं, है भी हमारे पास थोड़ा सा धन है, भगवान के पास विराट धन है, पारसमणि है। हमारे पास भगवान का छोटा सा अंश है, उसी का बड़ा अंश भगवान है। तो अमृतस्य पुत्रा, वो अमृत है, हम उनके पुत्र हैं, लेकिन ये ज्ञान जैसे ही होगा तब फिर उनके गुण, उनकी शक्तियां आपको अपनी लगने लगेंगी, और आप ज्ञान के द्वारा नियंत्रित कर वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। संबंध का ज्ञान होने से इष्ट का बल अपना बल लगने लगता है। आप जिस ईश्वर को पूजा करते हैं उनकी शक्ति आपको अपनी शक्तियां लगने लग जाएंगी। जैसे ही आपको संबंध का ज्ञान हुआ, लेकिन ये संबंध ज्ञान बड़ा जल्दी मुरझा भी जाता है। जैसे ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, अब उनकी पुष्टता चाहिए, क्योंकि उनके बिना भक्ति रोने लगेगी, भक्ति रोने लगेगी। यदि आपने अपने जीवन में ज्ञान को विसार दिया, आप अपने नित्य कर्मों में, नित्य के अभ्यास में एक मशीन की तरह हो गए कि सुबह उठे, घंटी बजी, अपनी लोटा बाल्टी लेके चल दिए, घंटरिया हिलाई, 9 बजे दर्शन करने हैं, 11 बजे ये करना है, 5 बजे, आप यदि मशीन बन गए और ज्ञान आपने विसार दिया और वैराग्य की प्यास आपके हाथ से निकल गई कहीं, तो भैया भक्ति मर जाएगी, रोने लगेगी, क्योंकि उसके ये दोनों पुत्र हैं और पुत्रों के बिना कैसे रहे मां। तो जब भक्ति में, पूरी दुनिया में भक्ति जब वृद्ध हो जाती है
तो वो वृंदावन में जागृत हो जाती है। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नहीं या कल में जासो होत निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नहीं या कल में, साधन और नहीं या कल में जासो होत निवेरो, भरोसो चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भगवान के चरणों में जब दृढ़ विश्वास हो जाए, सो सूरदास अंधे होते हुए भी उन्हें देख लेते थे, उनके दर्शन कर लेते थे। एक बार ऐसा लगा कि सूरदास जी नित्य जो पद गाते हैं, आज भगवान को जो वस्त्र पहने हैं सूरदास जी वैसे ही पद गाने लगते थे, तो उन्हें लगा कि आज सूरदास जी को कुछ दिखता है, लगता है कुछ इन्हें दिख रहा जरूर है, अन्यथा ये कैसे इतने सही सही पद गाते हैं। तो आज ठाकुर जी को वस्त्र नहीं पहनाए। Oh,